हनीप्रीत के लिए उसका रेड रोज था गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को जिस दिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उसी दिन उसने एक आवेदन के जरिए मांग रखी कि वो अपनी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत इंसा और प्रियंका तनेजा को जेल में साथ रखना चाहता है। ये वही महिला है जो रोहतक जेल जाते समय गुरमीत के साथ हेलीकॉप्टर में दिखी थी। गुरमीत ने अपने आवेदन में कहा था कि उसे पीठ दर्द और माइग्रेन है, जिसका ठीक से ख्याल हनीप्रीत उर्फ प्रियंका ही रख सकती है। ये मांग कुछ ज्यादा ही अजीब थी, हो भी क्यों ना। गुरमीत पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, साथ ही हनीप्रीत के साथ उसके संबंधों पर भी सवाल उठते हैं। बता दें कि हनीप्रीत उर्फ प्रियंका की शादी एक और डेरा अनुयायी विश्वास गुप्ता से हुई थी। गुरमीत की स्पेशल केयरटेकर है हनीप्रीत। हेलीकॉप्टर में गुरमीत के साथ बैठी हनीप्रीत पर उंगलियां उठी थी। इतना ही नहीं, जिस गेस्ट हाउस में गुरमीत के लिए अस्थायी जेल बनाया गया था वहां वह करीब 2 घंटे के लिए रुकी थी। खासकर ये उंगलियां इसलिए उठी क्योंकि ऐसे भी आरोप लगे हैं कि गुरमीत और हनीप्रीत के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप रहे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि हनीप्रीत के पति ने लगाया था। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने कुछ सालों पहले गुरमीत राम रहीम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हनीप्रीत के साथ उसके संबंधों की बात कही थी। जरा एक ट्वीट देख लीजिए, हनीप्रीत गुरप्रीत के बीच का अजीब संबंध, 7 फरवरी के इस ट्वीट से भी कुछ कहता है। इस ट्वीट में हनीप्रीत उर्फ प्रियंका ने गुरप्रीत के लिए कहा था, आप गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर हैं। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता से संपर्क नहीं साधा जा सका है। तलाक के बाद विश्वास और उसके पिता महेंद्र पाल गुप्ता ने अपने मोबाइल नंबरों को कई बार बदला है। बता दें कि साल 2011 में विश्वास गुप्ता ने आश्चर्यजनक तरीके से यह दावा किया था कि गुरमीत और हनीप्रीत के बीच शारीरिक संबंध है। उसने ये भी दावा किया कि हनीप्रीत को उसने आश्रम वाले गुफा में गुरमीत के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। हनीप्रीत के पिता का आरोप। हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा के पिता का सिरसा में MRF टायर का शोरूम है। द किट के पास मौजूद कोई डॉक्यूमेंट के मुताबिक प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत की शादी 2 फरवरी 1999 को विश्वास गुप्ता के साथ डेरा के आश्रम में गुरमीत के सामने हुई थी। हनीप्रीत के पिता आरोप लगाते कि ये शादी सिर्फ अवैध संबंधों को बनाए रखने या ऐसे संबंधों के लिए ही गुरमीत ने कराई थी। हालांकि कथित तौर पर हनीप्रीत को गोद लेने के बाद उसे एक दिन के लिए भी अपने पति के साथ नहीं रखा गया, वो हमेशा डेरे के आश्रम पर ही रहती थी। गुरमीत और हनीप्रीत के बीच ऐसे संबंधों के आरोपों के बाद विश्वास का परिवार डेरा कॉम्प्लेक्स छोड़कर पंचकुला रहने चला गया था। महेंद्रपाल ने आरोप लगाया था कि हनीप्रीत गुरमीत के पावर, पॉपुलैरिटी और पैसे पर सम्मोहित हो गई। हनीप्रीत ने गुप्ता परिवार पर कई आपराधिक केस दर्ज कराए थे। जब गुप्ता परिवार ने हनीप्रीत को वापस बुलाना चाहा तो उसने कई आपराधिक धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज करा दिए। इस बीच गुरमीत के गुर्गे भी परिवार का पीछा करते रहे। विश्वास को साल 2013 में गिरफ्तार भी किया गया। गुप्ता परिवार पर बनाया गया था दबाव। गुप्ता के परिवार पर लगातार दबाव बनाया गया। राम रहीम की तरफ से बनाए गए दबाव के बाद एक सत्संग में गुप्ता परिवार को यह कहना पड़ा कि गुरमीत और हनीप्रीत के बीच अवैध संबंधों का आरोप गलत था। सीबीआई ने जब सारे मामले को ट्रैक किया तो पाया कि गुरमीत का कम से कम 18 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध थे। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में डेरा के प्रबंधक इंद्रसेन और कृष्णलाल ने यह जानकारी दी। कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद के 4 पूर्व महिला डेरा अनुयायियों के बयान ने सिरसा आश्रम में यौन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। गुरमीत के खिलाफ कुरुक्षेत्र की नज्म और तस्लीम, 2 बहनों जो कि डेरा की पूर्व अनुयायी थी, ने मई 2006 को सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया और आज गुरमीत राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।